वेलकम गाइस, मेरा राहुल स्वागत करता हूँ हमारे और आपके चैनल आरपीजी गेमिंग में। सो गाइस यार, जैसे कि आप लोगों को पता है यार कि हमारा सीजन 6 आ चुका है एंड ऐसे में गाइस सबको रैंक पुश करने की रेस अभी चालू हो चुकी है। सभी बंदे रैंक पुश करना चाहते हैं, कोई जाना चाहता है कॉन्करर तो सभी जाना चाहते हैं यार कॉन्करर, कोई एस तो जाएगा नहीं, सबको कॉन्करर जाने का मन है। लेकिन गाइस कॉन्करर पहुँचे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कॉन्करर कब के लिए पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एंड कैसे उसको रीच करना है, आज के इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहना, साथ ही साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते रहना जिससे आप लोग कॉन्करर बहुत ही जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलो गाइस फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यार उससे पहले जाके जरूर से लाइक कर देना एंड यार चैनल पर नए तो जाके जरूर से सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। सो गाइस देखो यार, सबसे पहली चीज मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो गाइस बहुत सारे बंदे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि एक वीक में पहुंच सकते हैं, 10 दिन में पहुंच सकते हैं, 3 दिन में पहुंच सकते हैं। लेकिन गाइस सबसे पहले आप लोग देखो कि वो पिछले सीजन में खुद कॉन्करर में पहुंचे थे कि नहीं। गाइस मैं भी पिछले सीजन में कॉन्करर नहीं गया था, इसलिए गाइस मैं आज के इस वाले वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाला हूं या टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आपको बताने वाला हूं मैंने क्या स्ट्रेटजीज रखी है इस बार ताकि मैं कॉन्करर जा सकूं। ठीक है, मैं आपको अपने स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगे वो स्ट्रेटजीज तो आप लोग उसको फॉलो करके आगे जा सकते हो, लेकिन अगर आप लोग नहीं ना चाहो तो भी कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं आपको आज के इस वाले वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा गाइस कि कैसे आप लोग पहुंच सकते हो, मेरे टिप्स मतलब मेरे मैं खुद जो एम रख रहा हूँ इस बार वो सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाला हूँ इस बार और आप लोगों को भी करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है गाइस अच्छे से गाइस लोकेशन पे उतरना। ठीक है, अब अच्छे से लोकेशन का मतलब ये नहीं कि स्टेडियम, पायलट प्लाजा या फिर बहुत अच्छे अच्छे जगह पे आप लोग चल जाओ जहाँ पर गाइस आप लोग को बंदे बिल्कुल ईजिली निपटा दें। आपको ऐसी जगहों पर जाना है जहाँ पर बंदे आए लेकिन गाइस आपको थोड़ा लूट वगैरह मिल जाए जिससे आप लोग बिल्कुल ईजी फाइट ले सको। ठीक है, ऐसे जगह के एग्जांपल मैं दे देता हूँ गाइस, ओल्ड बेसिन हो गया एक, हम लोग यहाँ पे और भी गाइस जगह है जैसे यहाँ पे और क्या हो सकता है, यहाँ पे फैक्ट्री हो सकता है। यहाँ पर गाइस आपको अपने स्क्वाड की लूट भी मिल जाएगी, प्लस यहाँ पर आपको साथ ही साथ में यहाँ पर आपको अच्छे से बंदे भी आते हैं तो उनको भी आप लोग किल करके अपना KD भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई पहली मतलब जो तरीका है, जो स्ट्रैटेजी मैंने रखा है। एंड दूसरी चीज़ की बात करें तो गाइस आपको हमेशा गाइस क्या करना है कि अपना कोऑर्डिनेशन हमेशा बढ़ाना है। कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ेगा, अगर आपका एक प्रॉपर स्क्वाड होगा। एंड जिन भाइयों का गाइस प्रॉपर स्क्वाड नहीं है वो लोग कैसे स्क्वाड बिल्ड कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल गाइस पबजी मोबाइल लाइट में प्लेयर नियर बाय ऑप्शन आया, तो गाइस प्लेयर नियर बाय ऑप्शन में गाइस आपको बहुत सारे बंदे आपके आसपास के लोकेशन के मिलेंगे। तो वैसे में गाइस आसपास के लोकेशन के बंदों को गाइस आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के गाइस उनके साथ खेल सकते हो जिससे आपका गाइस घर के आसपास ही वो बंदे रहेंगे एंड आप लोग का गाइस कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा ना, आपका प्रॉपर स्क्वाड भी बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, चाहे वो कोई भी गेम हो, मतलब बैटल रॉयल की बात कर रहा हूँ, चाहे पबजी मोबाइल हो, चाहे पबजी लाइट हो या फिर और भी कोई बैटल रॉयल गेम हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद गाइस हम लोग अगली चीज़ की बात करें कि अगला चीज़ आपको क्या करना चाहिए, तो वो है गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना। यानी कि गाइस पबजी मोबाइल लाइट में ऐसे काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको आप लोग फॉलो कर, मतलब आप लोगों ने देखा तो होगा, उनको आपको पता भी है कि ये चीज़ करते हैं हम लोग, मतलब ये चीज़ हो सकता है, लेकिन आप लोग उसको यूज़ नहीं करते हो क्योंकि गाइस देखो कभी कभी इनसेंस सिचुएशन में गाइस आपको टाइम नहीं मिलता कुछ करने का, आप लोग का दिमाग नहीं चलता। तो गाइस वही चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी है कि गाइस कितना मतलब प्रेशर वाला सिचुएशन हो, हम लोग को गाइस कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लड़ाना है। जैसे कि गाइस बहुत सारे टूर्नामेंट्स के ई-स्पोर्ट वाले बंदे भी गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं गाइस अपने मैचेस में, टूर्नामेंट्स में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा गाइस कि ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ता है आप लोगों को पहले से ही, ऐसा नहीं है कि आप लोग सिंपल स्ट्रैटेजी रखोगे तो गाइस सब पार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी बना के रखना पड़ता है। तो ये तो हो गई तीसरे ट्रिक के बारे में, मतलब स्ट्रैटेजी के बारे में। अब अगली चीज़ की बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे मेन चीज़, अगर आपका स्किल्स मतलब अच्छा है तो गाइस आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है कॉन्करर या एस में अच्छे से रैंकिंग लाने में। ठीक है, तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है स्किल्स डेवलप करने के लिए, वो है गाइस आपका एक ही, आपको तीन चीज़ करना है। देखो सबसे पहले आपको गाइस TDM में प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे से TDM में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स नहीं है तो आपको TDM में अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वो भी किसका, जंप एंड शूट का, प्रोन एंड शूट का। ये सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएगी, बहुत ही ज़्यादा वाला काम आएगा। अगर आप लोग प्रोन एंड शूट एंड जंप एंड शूट वगैरह अच्छे से, क्राउच एंड शूट, ये सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग सीख लेते हो तो गाइस यार बहुत ज़्यादा आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाला आपको बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ होता है। एंड उसके बाद एक और चीज़ आपको ट्राई करना है हमेशा कि गाइस आपको गाइस आना चाहिए कि कैसे आप लोग एनिमी के बुलेट से बचो। ऐसा नहीं कि आप लोग सीधा उसके एनिमी को रश करने गए और सीधे उसने
ने गोली मार दिया और आपको लग गया। आपको एनिमी के बुलेट से बचते हुए उसको फायर देना है। ये वाली चीज़ की आपको प्रैक्टिस हमेशा करते रहनी चाहिए, जिससे गाइज आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप कि ये चार जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, सब्सक्राइब के बटन को दबाना एंड साथ ही साथ इन ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के लिए यहाँ पे आप लोग जरूर से लाइक कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून्ड।